गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप बेसिक का वीडियो नंबर 19 और एलजेब्रा सीरीज का वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं। हमने आगे वाले वीडियो में एलजेब्रा का बहुत सारा बेसिक्स कवर किया है। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा मोनोमियल विथ बाइनोमियल सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस एलजेब्रा को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि मोनोमियल क्या होता है और बाइनोमियल क्या होता है। वैसे ये मोनोमियल और बाइनोमियल एलजेब्रा के टर्म के आधार पे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं। जिस किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, और जिस किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल है, और ब्रैकेट के बाहर एक ही टर्म है इसलिए वो मोनोमियल है। यहाँ ब्रैकेट और मोनोमियल के बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो हम सॉल्व करेंगे कि इसको हम कैसे आंसर ला सकते हैं या इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, और इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई है जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको वो मल्टीप्लाई एज्यूम कर लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है आपको, इस मोनोमियल को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है। तो ये ऐसे हो जाएगा 2m इंटू 4x, ये प्लस की साइन नीचे आ जाएगी, प्लस ये 2m वापस इसके पास जाएगा, तो 2m इंटू 2y। तो अब ये आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है इनका, 2 4 8, m इंटू m x एम एक्स प्लस 2 2 4, m इंटू y एम y। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ होगा नहीं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। एक के पास m है, दूसरे के पास भी m है, मगर एक के पास x है और दूसरे के पास y है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें मैंने एक नंबर माइनस लिया है ताकि आपको पॉसिबिलिटी भी आ जाए। मैं इस 4x को अंदर लेके जा रहा हूँ, 4x इंटू माइनस 3y, ये प्लस नीचे आ जाएगा, ये 4x इसके पास जाएगा, तो 4x इंटू 4p, 4 इंटू 3 12, प्लस माइनस माइनस xy, प्लस 4 4 16 xp। ये दोनों अनलाइक टर्म है इसलिए आगे कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट, काफी बड़ी वैल्यू ली है ताकि आपको सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ जाए। ये 2 है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 2 4 8 माइनस प्लस माइनस m इंटू एक्स एम एक्स। अब माइनस प्लस माइनस, ये 2 इसके पास गया, 2 3 6 m इंटू y इज इक्वल टू एम वाई, वापस माइनस प्लस माइनस, ये 2 इसके पास जाएगा, 2 4 8 m इंटू पी एम पी। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये इसके पास जाएगा, 2 इंटू 9, 2 9 18, m इंटू m एम स्क्वायर। अब देखो इसमें से कोई टर्म लाइक है क्या, चेक करना है। एम एक्स है और किसी के पास एम एक्स नहीं है, एम वाई और किसी के पास एम वाई नहीं है, एम पी और किसी के पास एम पी नहीं है, तो ये सारे टर्म आपस में अनलाइक हैं, तो ये आगे सॉल्व होंगे नहीं। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2m माइनस 4x प्लस 2y,
मैंने देखो ऊपर वाला क्वेश्चन 2m मल्टीप्लाई 4x प्लस 2y लिया था, और यहाँ पे मैंने माइनस की साइन डाल दी है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे एलिमेंट की साइन चेंज हो जाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 4x के आगे कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लस मान लेना है। तो 2m को एज इट इज नीचे उतार लो आप। ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट की सारी की साइन चेंज हो जाएगी। 4x प्लस में था माइनस में आ जाएगा, 2y प्लस में था माइनस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे m आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, ये सारे आपस में अनलाइक टर्म है इसीलिए कुछ आगे सॉल्व होगा नहीं। आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी बताया है वो समझ में आया है। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर ना कुछ ना कुछ जरूर ना जरूर कुछ रिस्पांस जरूर डालिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद अस।